दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। उत्तर भारत में पड़ रही भयंकर सर्दी ने आम जनता के जीवन की रफ्तार रोक दी है। आलम यह है कि सर्दी के इस मौसम में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। अमृतसर में जहां रातें सर्द हैं, वहीं दिन के तापमान में भी भारी गिरावट देखने को मिली, जिस कारण आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती सर्दी के कारण सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी कम देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों और बाहर से अमृतसर की यात्रा के लिए आए श्रद्धालुओं का कहना है कि सर्दी के कारण ट्रेन में आने जाने वाले लोगों को खासी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और इसके कारण बाजारों में लोगों की भी कमी देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेकने आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं हुई है। अच्छी बात है कि लोगों में श्रद्धा है और हम सब भी बस बाबा जी के पास माथा टेकने आए थे और सब बहुत अच्छा लगा। पूरी फैमिली के साथ आया हूँ, मेरी अभी भी शादी हुई है तो अपनी बीवी को लेकर आया था माथा टेकाने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। सर्दी कैसी है? सर्दी बहुत है, सुबह बहुत ठंड थी, काफ़ी फॉग थी रास्ते में, सो आई वुड से एवरीबॉडी बी केयरफुल। लोगों के दिलों में बहुत श्रद्धा है, बहुत ठंड है यहाँ पर फिर भी लोग आ रहे हैं, जितनी मन से अपने दर्शन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, स्नान भी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के दिलों में बहुत श्रद्धा और भावना है। आई वुड से एवरीवन शुड कम हियर एंड विजिट, लाइक दरबार साहिब के दर्शन करने से एवरी विश कम्स ट्रू।